हाल ही में हुए पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत से हरियाणा की सियासत में भी हलचल मचने लगी है। आम आदमी पार्टी अपने मजबूत मुद्दों के साथ हरियाणा के चुनावों के लिए कमर कस चुकी है। धीरे धीरे हरियाणा में भी आम आदमी का कुनबा बढ़ने लगा है। सैकड़ों युवाओं को आपने ज्वाइन कराया है, पंजाब में जीत के बाद अब हरियाणा में कैसे असर दिखेगा? देखिए, पंजाब की जीत के बाद हमें जो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज भी कई हमारे यहाँ फरीदाबाद में, गुड़गांव में, दिल्ली में, हर जगह हमारी आम आदमी पार्टी का कई वरिष्ठ नेताओं ने, एक्स MLAs हैं कई जिसमें, और यहाँ भी आज हमने फरीदाबाद जिला कार्यालय में सैकड़ों युवाओं की ज्वाइनिंग कराई। ज्वाइनिंग कराने से हमें जो फ़र्क दिख रहा है वो आगे नगर निगम चुनाव में पड़ने वाला है। हम हरियाणा के हर जगह पे अपने चुनाव चिन्ह पे ही लड़ने जा रहे हैं और उस लड़ाई के अंदर हम जीत के आएंगे। ये झाड़ू चलेगा और इन सब की सफाई होगी, जो भ्रष्टाचारी और जितने भी हमारे नेता यहाँ बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप युवाओं को मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं? देखिए, हम कोई उनको कोई फंड तो दे नहीं रहे, ना हमें उनको कोई नौकरी देनी है, हम कोई ऐसा काम कर नहीं रहे कि भाई जो अपने आप हमारे से दिल से जुड़ना चाह रहे हैं हम उन्हीं को जोड़ रहे हैं और हम किसी के पास नहीं जा रहे। अब हमारा समय ऐसा आ गया है कि लोग हमारे पास अपने आप आ रहे हैं कि हमें अपनी पार्टी ज्वाइन करेगी। पंजाब में तो जीत हासिल की है, लेकिन चार राज्यों में जो हारे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ हमने ना, अभी हमारा मेन मुद्दा था पंजाब को जीतना, पंजाब को हमने जीत ली है और बाकी राज्यों में भी हमें कोई ऐसी हार नहीं दिखी जहाँ हमारा आज तक कहीं पहुँचे ही नहीं थे। जिस राज्यों में, वहाँ भी आज हमें बहुत सारे लोग हमारी सेवाओं को, केजरीवाल जी की नीतियों को अपनाने के लिए तैयार बैठे।